कई गजर रक्षक तो ऐसे हैं जिनके घर में आज हम सच बोलना चाहते हैं, डिपू का राशन लेने के लिए जो पैसे नहीं है, अपने बच्चों की फीस भरने को पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है, तो जलरक्षक जो है इतने कम वेतनमान में। और हम सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि जलरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि कम से कम हम न्यूनतम वेतनमान लागू करेंगे, वो लागू कब करेंगे? ठीक है, हम मानते हैं कि हमने सुना है कि हम मानते हैं कि आज हिमाचल पे जो है आर्थिक जो तंगी से गुजर रहा है, तो क्या जो आर्थिक संगति के तंगी के लिए क्या जलरक्षक ही एकमात्र रह गए हैं कि हर बार जो है उनकी आहुति दी जाएगी? पिछली बार भी ऐसा कहा गया कोरोना काल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हर बार जो है जलरक्षक की आहुति देने के लिए। सरकार हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमारी बात को समझे। हम रोड पे नहीं आना चाहते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे जलरक्षक को अभी भी 2-3 हजार रुपए किसी से उधार लेकर जो है शिमला आना पड़ रहा है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हिमाचल के समस्त चेयरमैन, हिमाचल के समस्त जो है इनके नामुंदे हैं, उनसे हमारा यह आग्रह है कि हमें जो है लगातार यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठने पे मजबूर ना करें और आज हमारे लिए कोई ना कोई उचित फैसला ले, ताकि जो है हम भी हमारा भी परिवार है, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल की फीस भरे, उनके लिए कपड़े लें। हम कहाँ से पैसे लाएंगे जब 6-6 महीने बाद? और एक बात और है, अगर हमारा वेतनमान मान लिया लाखों में होता, जिनका वेतनमान लाखों में है उनको पैसा पहले, और जिनका वेतनमान 100-5 हजार 6 हजार के करीब है उनको पैसा रो रो के। हम हिमाचल सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है, हम मानते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हिमाचल सरकार की इज्जत करते हैं, वर्तमान सरकार की इज्जत करते हैं, पर हमारी बात को भी समझिए। इसका मतलब हमें हल्के में ना ले, ये ना समझे कि ये लोग कुछ ना बोलते हैं तो इनको हमेशा ही दबाया जाएगा। जो भी सरकार आई उन्होंने जलरक्षकों को दबाया है। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आज हमारे लिए कोई ना कोई उचित फैसला ले। अगर सरकार हमारे लिए उचित फैसला नहीं लेती है तो हम यहाँ पे लगातार जो है भूख हड़ताल पे तंबू लगा के बैठ जाएंगे और जब तक नहीं उठेंगे, चाहे 1 महीना लगे 2 महीना लगे 3 महीना लगे। और इसकी जिम्मेदार भी हिमाचल वर्तमान सरकार ही होगी। इसलिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद, जय। हमारे जलरक्षक काफी लंबे समय से अपनी सरकारों के पास अपनी मांगे रखते आ रहे हैं। हमने कोई भी मंत्री, कोई भी चेयरमैन, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई नहीं छोड़ा जिनके पास जो हमें अपनी मांगे रखी हो। हमारे जलरक्षक, हमारे जलरक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट पे आने का जो टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष का है, और हमारे साथी 12 वर्ष का टाइम पीरियड पूरा करने के बाद जो हैं 14 साल 15 साल को पहुंच चुके हैं, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आए हैं। तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से, हिमाचल सरकार से यही आग्रह है। सबसे पहला आग्रह तो यह है कि जो हमारे जलरक्षक 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा पूर्ण कर चुके हैं उन्हें जो है रेगुलर किया जाए। उसके उपरांत हमारा दूसरी जो ये मांग है काफ़ी लंबे समय से है कि 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे आने का टाइम पीरियड बहुत ही लंबा होता है, इसे 12 वर्ष से घटाकर कम किया जाए और हमारे लिए 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए, और इसके लिए हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो हमारा जलरक्षक अपना टाइम पूरा करते हैं उन्हें जो है रेगुलर किया जाए और हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। पर जो है सरकार, अभी आपने देखा कि जो हमारी पेमेंटें हैं, हिमाचल जो इम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेमेंटें 1-2 दिन लेट हुई, तो विपक्ष ने भी उनका मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठाया, लगातार 2-3 दिन चैनलों पर हर जगह यही बात चल रही। और हमारे जलरक्षकों को जो पंचायत के माध्यम से लगे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि कई जगह पे 5-6 महीने हो गए हैं। तो हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, हम सरकार को ये आप बताना चाहते हैं कि कम से कम जिस जलरक्षक को लगातार 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है वो किस तरह से अपने परिवार का अपना पालन पोषण कर रहा होगा, उसकी जो पीड़ा है सरकार उसे समझे। आज हमें क्या जरूरत है, अभी आप देखो हजारों की संख्या में जलरक्षक जो है आपके सामने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक जलरक्षक को जो है पूरे हिमाचल से लग कोने से शिमला में पहुंचने में लगभग 5,000-4,000 रुपए खर्च आता है, 5,000-6,000 रुपए उसकी सैलरी है। तो वो हर बार जो है जब भी होता है सरकार के सामने खड़ा होता है कि हो, हमारा सरकार से यह आग्रह है कि अगर सरकार आज हमारी बातों को मानती है तो ठीक है, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हिमाचल के समस्त जलरक्षक शिमला में यहीं भी कहीं भी रेंज सेंटर या तंबू मिलने पे
हिमाचल के समस्त जनरक्षक जो है लगातार जो है यहाँ पर बैठेंगे और जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक जो है सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, यह हमने आज जो है दृढ़ निश्चय ले लिया हुआ है। आज अभी आप देखो कैमरा घुमा के देखो कितने जनरक्षक जो है इस टाइम मजबूर है,